हेलो एवरीवन, गौतम डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि किस तरह हम रेड हैट की इमेज डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, जो लगभग होती है 8 से 8.5 या 9 GB के दरमियान। तो बस आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप को जाते हैं, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के लिए या वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। ऐसे तो मार्केट में बड़े वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको किसी भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में महारत हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीएमवेयर वर्कस्टेशन हुआ या ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हुआ। इस सीरीज में मैं यूज़ कर रहा हूँ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, और इसका बड़ा आसान रीज़न है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंसिंग नहीं लगती। तो आपको जाना होगा www.virtualbox/downloads में, या फिर आप गूगल पे सिर्फ सर्च कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, और वो आपको ले आएगा इस पेज पे। जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो लेटेस्ट वर्जन मिलता है, जो भी लेटेस्ट वर्जन हो। हो सकता है ये वीडियो आप बहुत दिन बाद देख रहे हो तो आपको कोई लेटेस्ट वर्जन मिल जाए। जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड करें विंडोज़ होस्ट पे। मेरा लैपटॉप विंडोज़ पे रन हो रहा है तो मैं विंडोज़ होस्ट ले रहा हूँ। अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप मैकबुक डाउनलोड करें। तो मैं जाऊंगा विंडोज होस्ट। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया। एक बारी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे और बस नेक्स्ट 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 इसी तरह अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए, विंडोज पे किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप बस अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करें और नेक्स्ट 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 करते जाएं और इंस्टॉलेशन को पूरा करें। एक बार जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये सारी इमेजेस नज़र नहीं आएंगी, बट आपको कुछ इस तरह ये इमेज लगेगा। देखिए, मेरा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का जो टर्मिनल है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे बस आपको करना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्योंकि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे पूछ रहा है कि क्या मुझे रिपेयर करनी है या मैं इसे निकाल दूँ या रिमूव कर दूँ। हम ना इसको रिपेयर करेंगे ना रिमूव करेंगे, आप इसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा करेंगे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को ओपन करें और कुछ इस तरह ये नजर आएगा। अब इस ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में मैं जाऊंगा और यहाँ पे हम नई वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। तो किस तरह हम हमारी नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा न्यू। तो न्यू पे क्लिक करें और अपनी मशीन का कुछ नाम दे दें। देखिए, इसमें मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जो भी आपका फेवरेट नाम हो या जो आप इसको कहना चाहते हो कह दीजिए। यहाँ पे कोई नेमिंग कन्वेंशन या कोई ऐसा रूल नहीं है कि फिक्स आपको यही नाम देनी है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ नाम इसको गौतम हिंदी सीरीज। और जहाँ तक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है, आप खुद जानते हैं कि यहाँ मुझे सेलेक्ट करनी होगी लिनक्स। लिनक्स में मुझे सेलेक्ट करना होगा रेड हैट लिनक्स, और वो भी 64 बिट। जैसे मैंने आपको कहा कि 32 बिट यहाँ पर अभी बंद हो चुकी है, तो आप सिर्फ 64 बिट वर्जन ही पे काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया है नाम, और हमने यहाँ पे दे दिया है टाइप, और हमने दिया है रेड हैट वर्जन। अभी क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे ये आपको पूछेगा कि कितनी CPU और कितनी RAM आप यहाँ पे देना चाहिए। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 1 से 3 GB RAM और मिनिमम 2 Core CPU बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये खुद ही ऑटोमेटिक ले चुका है 2 GB, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। जहाँ तक CPU का सवाल है, इसने लिया है 1 CPU, जो कि कभी दिक्कत दे सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ इसको 2 GB, ताकि जब हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ले तो हमें लिनक्स यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम कहते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे ये पूछेगा आपको कि कितनी डिस्क स्पेस देंगे। गाइज, ये आपके ऊपर है, आप जितनी स्पेस देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए 20 से 30 GB मेरे हिसाब से बहुत होगी। तो हम इसको कर लेते हैं 30 GB। अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर और फिनिश करते हैं। जैसे ही आपने फिनिश पे क्लिक किया,
ये देखिए आपकी वर्चुअल मशीन हो गई रेडी। अब इसमें हमें कुछ सेटिंग्स की चेंजेस करनी होती है ताकि हमने जो इमेज डाउनलोड की थी पिछले वीडियो में उस इमेज का हम यूज कर सकें और उससे हमारे सिस्टम को बूट कर सकें। तो राइट क्लिक कीजिए मशीन पे, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आप जाएंगे सिस्टम। देखिए सिस्टम में यहाँ एक ऑप्शन रखा है फ्लॉपी। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये फ्लॉपी इसने क्यों इसमें अभी तक रखी है। सीरियसली क्या हम फ्लॉपी यूज कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसको कर लेते हैं अनसेलेक्ट और इसको फेंक देते हैं नीचे ताकि हम सिस्टम को बूट करेंगे डीवीडी से। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हमारा लैपटॉप ये मॉडर्न लैपटॉप है, इसमें तो कोई डीवीडी ड्राइव नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह सोचना चाहिए कि हम एक वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं। वर्चुअल मशीन एक इमेजिनरी मशीन है जिसपे आप कुछ भी उसको इमेजिन करा सकते हैं। आप उसको ये भी इमेजिन करा सकते हो कि तुम्हारे पास डीवीडी है और जो भी रिसोर्स हम दे रहे हैं ये सारे वर्चुअल हैं। तो आपको यहाँ पे कोई डरने की या कोई और शंका या शक रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट बूट डिवाइस हमारा हो गया है डीवीडी। अगर वो ना हो तो फिर बूट करें हार्ड डिस्क से। यहाँ पे एक और चीज आपको करनी है कि पॉइंटिंग डिवाइस PS2 है यानी कि माउस। देखिए PS2 बहुत ही पुराना माउस है जहाँ पे एक रोलर हुआ करता था माउस के अंदर एंड बहुत ही धीमे से वो चलता था। तो अभी हम यहाँ पे PS2 माउस तो नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमको चेंज करना है USB। कोई ऑप्शन आप ले लें, बस इसको बना दें USB। अगर आप ये नहीं करते तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपका माउस ठीक से काम नहीं करेगा। सो इफ यू डोंट वॉन्ट कि कोई प्रॉब्लम हो, मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको USB कर ले। आइए दूसरी जगह जाते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है और इस स्टोरेज डिवाइस में हमें इंसर्ट करनी है वो इमेज जो हमने डाउनलोड की थी रेड हैट से या रॉकी से या एल्मा की वेबसाइट से। तो यहाँ पे देखिए डीवीडी एम्प्टी बता रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक राइट बटन होगा राइट हैंड साइड पे। जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक फिजिकल मशीन पे काम कर रहे हो। जैसे ही आपने डीवीडी का बटन दबाया ट्रे बाहर आती है, उसमें आप डीवीडी रखते हो और ट्रे बंद कर देते हो। इस तरह आपका डीवीडी का यूज होता है। इसी तरह यहाँ पे भी हम वर्चुअल डीवीडी फीड करेंगे। इसमें हम जाएंगे इस डीवीडी बटन पे और कहेंगे चूज डिस्क फाइल। देखिए यहाँ पे ये आपको ले जाएगा उस जगह पर जहाँ पे आपने डीवीडी का इमेज डाउनलोड किया है। मैंने इसको डाउनलोड किया है अपने डाउनलोड फोल्डर्स में। तो आपने जहाँ पे भी इसको डाउनलोड किया है बस ब्राउज करें, उस जगह पर जाएं जहाँ पे आपकी इस इमेज को डाउनलोड किया है और यहाँ सेलेक्ट कीजिए अपनी इमेज। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेड हैट 9.2 और मैं इसको कह देता हूँ ओपन। बस ये कनेक्ट हो गए। एक और आपको काम करनी है कि आप जाएंगे नेटवर्क में और यहाँ पे नेटवर्क अडैप्टर NAT सेलेक्ट किया हुआ है, इसको चेंज करें और बना दें होस्ट ओनली अडैप्टर। देखिए हम यहाँ पे एक वर्चुअल लैब सेटअप कर रहे हैं। मैं अपने लैपटॉप से VM को कनेक्ट करूँगा, पिंग करूँगा, उसके साथ वर्क करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि नेटवर्क कम्युनिकेशन बेस्ट रहे, इसके लिए मुझे ये होस्ट ओनली अडैप्टर सेलेक्ट करनी होगी। बस अब सारे आपके ऑप्शन सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आप क्लिक कीजिए ओके पर। अब वक्त है वर्चुअल मशीन को ओपन करने का और स्टेप्स को फॉलो करने का। तो यहाँ पे इसको रन करने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे राइट क्लिक में आप स्टार्ट कर सकते हो और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट क्लिक कर सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है दोस्तों वो है डबल क्लिक। तो जो ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल मशीन ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो विंडो यहाँ पे आएगा वो बहुत छोटा रहेगा। तो हम एक काम ये करेंगे कि इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। किस तरह मैक्सिमाइज करना है वो भी एक तरीका है जो मैं आपको समझाऊंगा। वेट करते हैं, जैसे ही हमारा VM ऑन होगा हम इसका साइज बदलेंगे।
जो कि बहुत जरूरी है हमारे व्यूइंग कंफर्ट। आप राइट साइड में देख सकते हो गाइस, ये बता रहा है कि पावरिंग अप वीएम और आपका वीएम पावर अप हो गया। बट यहाँ पे जो वीएम का साइज है ये बहुत छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए सेलेक्ट कीजिए व्यू, फुल स्क्रीन पे मत जाइए, जाइए स्केल मोड। जब आप स्केल मोड सेलेक्ट करते हो अब इसको मैक्सिमाइज कीजिए तो ये फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब मुझे एक्सेस करनी है ये वर्चुअल मशीन। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे आपका माउस हो जाएगा हाइड, और अब आप यूज कीजिए अप एरो डाउन एरो। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि स्क्रीन अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे मुझे स्क्रीन को, यहाँ मुझे कर्सर को रखनी है फर्स्ट लाइन में जो कि है इंस्टॉल रेड हैट लिनक्स 9.2। अगर आप रॉकी कर रहे हैं तो ये बताएगा रॉकी, एल्मा कर रहे हो तो ये बताएगा एल्मा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए रेड हैट लिनक्स 9.2 और हिट कीजिए एंटर। एक और चीज यहाँ पर है दोस्तों कि अब अगर मैं माउस को हिलाऊंगा और चेंज करूंगा यहाँ से इसको बाहर निकालने के लिए, तो आप देख सकते हो कि माउस अंदर स्टक हो चुका है। यहाँ बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना लैपटॉप बंद कर जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे अगर आपको माउस रिलीज करवानी हो तो अपने कीबोर्ड पे राइट हैंड साइड कंट्रोल की दबाएं। देखिए कंट्रोल की लेफ्ट पे भी होती है और राइट पे भी, यहाँ हमें चाहिए राइट हैंड साइड। तो जैसे ही आप राइट हैंड कंट्रोल पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि माउस मेरा वापस बाहर आ चुका है और मैं इसको विंडोज में यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे फिर लिनक्स में जाना होगा तो मैं जाऊँगा इनसाइड, क्लिक करें और ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हो कि लिनक्स इंस्टॉलेशन के पेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ कि क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया कुछ देर बाद एक मैसेज इस तरह अपीयर होगा जहाँ पे ये आपको पूछेगा कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो। गाइज यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, तमिल है, तेलुगू है, मराठी है, गुजराती है, स्पैनिश है, जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। यूजुअली हमारा मोड ऑफ वर्किंग होता है इंग्लिश, तो हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। बट जैसे ही आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, इंग्लिश यूएस यूके इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इससे क्या बेनिफिट है? देखिए इससे बस इतना बेनिफिट है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो इंडियन टाइम जोन के हिसाब से इंडियन टीम आपको हेल्प करेगी। और एक और चीज़ है कि जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदने जाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, अगर आप यूएस सेलेक्ट करते हो तो यूएस करेंसी। और इसमें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, तो आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं चाहूँगा इंग्लिश इंडिया। तो देखिए अभी हमारा स्क्रीन यहाँ पर आ रहा है, कुछ ही देर में हमको ये पूछेगा लैंग्वेज। माउस कर्सर आप देख सकते हो कि ये आ चुका है, इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश इंडिया। और अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा कंटिन्यू तो ये हमें ले जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत डैशबोर्ड पे, बहुत ही सुंदर डैशबोर्ड पे ये हमें ले जाएगा जहाँ पे बहुत सिंपल ऑप्शन है जिसको सेलेक्ट करने पर आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हमारे मेन डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे वक्त हो चला है कि हम हमारे वीडियो को अभी स्टॉप कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह हम ये सारे ऑप्शंस देंगे और हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।